अभी अभी जो मैजिक आपने देखा है, ये मैजिक बहुत दिन से बहुत सारे जादूगर हमसे पूछ रहे हैं कि ये मैजिक अब सर सिखा दीजिए, ये मैजिक दिखाइए। ये मेरे एक फेवरेट मैजिक था, आपको दिखाया। अब ये मैजिक करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक एल्युमिनियम का टुकड़ा चाहिए, पतला सेक्टे एल्युमिनियम का टुकड़ा, ये टीना का पत्ता होने से भी चलेगा। यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, थोड़ा सा, इतना सा काटने से चलेगा। देखिए, एक से डेढ़ इंच, ये एकदम पतला है, ये देखिए, ऐसा ऐसा होने से चलेगा। हम थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मैंने काट के रखा है। इसको क्या करना है, ये देखिए, एक पेपर लेना है। इस पेपर को चार फोल्ड कीजिए, बीच में से एक फोल्ड, उसके बाद और एक फोल्ड, बस चार फोल्ड हो गया। इसका ये पहली तरफ, इस तरफ इसको चिपकाना है। कैसे चिपकाना है? इसको चिपकाने से पहले आपको जो करना है वो, इसका ऊपर ये पेपर थोड़ा इसके लगा देना है। वो कैसे, ये देखिए, थोड़ा हम गम लगा के आपको दिखा देते हैं कैसे इसको करना है। ये देखिए, इसमें मैंने गम लगा दिया, लगाया, उसके बाद मैंने इसको इस तरफ ऐसे चिपका दिया। ये देखिए, ऐसे चिपका दिया। उसके बाद इस तरफ भी थोड़ा सा गम लगाया, इसको जरा ऐसे फोल्ड कीजिए, बस हो गया, इतना ही चाहिए। अब ये पेपर को थोड़ा कट लीजिए, ये देखिए, ऐसा एक पेपर जैसा बन गया, वो एल्युमिनियम और नहीं दिखाई देता है। यहाँ से थोड़ा सा इधर ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कीजिए, और इस तरफ उतना ही, इस तरफ भी ऐसे फोल्ड कीजिए। ये देखिए, ये बन गया। ऐसे आपको बना लेना चाहिए, बस हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और, थोड़ा सा पेपर आपको जरूरत है, इतना सा काट लीजिए, बस। इसमें भी थोड़ा सा गम लगाना है, थोड़ा सा गम लगा लीजिए। ये देखिए, थोड़ा सा इस तरफ गम लगा दीजिए, बस। ये पेपर को इस जगह में ऐसे चिपकना है, ये देखिए, इस जगह में ऐसे इसको, ऐसे ऐसे इसको फिट कर दीजिए। बस, ये गम भी और नहीं चाहिए, कैंची भी नहीं चाहिए, पेपर भी नहीं चाहिए, हो गया काम। ये देखिए, ये ऐसा बन गया, दिखाई दे रहा है? ये आपको पता नहीं चलेगा, इधर एक गिमिक लगा हुआ है ऐसे। अब इस पेपर को आप ऐसे खोल के दिखा सकते हैं, ये देखिए, ऐसे आप
इसको ऐसे खोल के दिखा सकते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहे ना, इसके ऊपर ऐसे हाथ डाल दिए बस, और नहीं दिखाई देगा। बस इस तरफ ऐसे दिखाया, इसके बाद घुमा के इस तरफ पूरा ही दिखाइए। फिर इसको देखिए ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया। देखिए वो वाला आपको नहीं दिखाई दिया, ये पीछे रह गया, देखा ये पीछे रह गया। बस इसी से आपका इतना अच्छा मैजिक हो जाएगा। कैसे होता है देखिए, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ये पॉलीथीन का ग्लास है, बाजार से आप खरीद लेना, ये ज़्यादा नहीं 2 रुपया 3 रुपया से मिल जाए, 2-3 रुपये में अच्छा क्वालिटी वाला ले लेना है, अच्छा क्वालिटी वाला, एकदम कम दाम का अच्छा नहीं होगा, जो थोड़ा सा सॉलिड होगा वही ले लेना है। उसके बाद ये दोनों को ऐसे ऐसे रखिए, और ये जो है ना, ये देखिए ये जो है इसका ऐसे ऐसे इसको डाल दीजिए, ऐसे 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 डाल दीजिए, ऐसे डाल दिया। अभी जो मैजिक वंड है, मैजिक वंड से ये ऐसे फंस जाता है, ये देखिए ये फंस जाता है और कुछ नहीं। ये देखिए ये जो मैजिक वंड है ना, ऐसे लगाने से ये फंस जाता है। अभी हम उठा के दिखाते, ये देखिए फिर इसको उठा के दिखाते, ये देखिए ये इस तरफ रहा, ये इधर फंस जाता है, और ये इस तरफ है, ये इस तरफ फंस जाता है, और ये दोनों के बीच में जब ये मैजिक वंड टाइट हो जाता है, ये जाके टाइट हो जाता है और गिरता नहीं, बस यही है और कुछ नहीं। अभी सिल्क डालने से भी यही होगा, सिल्क डालने से भी सेम। ये देखिए इधर सिल्क डाल दिया, इधर भी सिल्क डाल दिया, उसके बाद ये ऐसे ऐसे इसका ऐसे रख दिया, ये देखिए ऐसे गया। बस अभी ये होने से क्या, ये लॉक हो जाता है, और अब इधर से इसको सिल्क हटाइए तो ये गिरेगा नहीं, इधर से ये सिल्क हटाइए ये गिरेगा नहीं, बस यही है इसका सीक्रेट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये मैजिक आप कहीं भी जगह दिखाइए, बर्थडे पार्टी में दिखाइए, कोई दोस्तों को शादी में दिखाइए, कोई भी जगह दिखाइए, बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही बढ़िया मैजिक है। तो आज के लिए इतना ही, ये मैजिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय।